Hello friends, how are you? I hope you are in good. Today's topic is what is the waste and what is their types. आज का टॉपिक है वेस्ट क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं. I am मनोज प्रसाद speaking from my channel Amazing Prasad. Let's start. What is waste? Waste is also known as muda. Muda is a Japanese word. Waste means muda. Taiichi, ohno defined the seven type of wastage that describe all activity that adds cost but not value. Taiichi, ohno seven types of wastage के बारे में describe किए, जो कि जो भी हम activity करते हैं उसमें कॉस्ट तो उसका ऐड है लेकिन उसका कुछ वैल्यू नहीं है. सेवन टाइप ऑफ वेस्टेज कम्स फ्रॉम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम फॉर वेस्ट एलिमिनेशन. सेवन टाइप ऑफ वेस्टेज यह टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से आया है वेस्ट को कम करने के लिए और हमारा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए. लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इज द सेवन टाइप ऑफ वेस्टेज. फर्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन. मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट दैट डज नॉट ऐड वैल्यू. किसी भी प्रोडक्ट का मोमेंट जिसका कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता है वह फर्स्ट वेस्टेज है. ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज है. मीन्स किसी भी चीज को या किसी भी मटेरियल को बाहर ले जाते हैं या कहीं से लाते हैं तो यह ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज में गिना जाता है. सेकंड वन इज इन्वेंट्री. मोर मटेरियल पार्ट्स और प्रोडक्ट ऑन हैंड देन द कस्टमर नीड्स राइट नाउ. मोर मटेरियल पार्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑन हैंड अगर है हमारे पास, ज़्यादा मटेरियल है, ज़्यादा पार्ट्स है हमारे पास जो कि कस्टमर को अभी नीड नहीं है, वह भी इन्वेंट्री लॉस के अंतर्गत आता है. मीन्स हम जो भी इन्वेंट्री लेते हैं वह या तो वीक के एंड में लेते हैं, मंथ एंड में लेते हैं या फिर ईयर एंड में लेते हैं. और जो भी प्रोडक्ट या वर्क इन प्रोसेस में जो भी मटेरियल पड़ा रहता है या फिर कास्टिंग रहता है वह हम उन्हें काउंट करते हैं, यह भी इन्वेंट्री लॉस के अंतर्गत आता है. थर्ड वन इज मोशन लॉस. मोमेंट ऑफ पीपल और मशीन दैट डज नॉट ऐड वैल्यू. मोमेंट, अननेसेसरी मोमेंट ऑफ पीपल और मशीन जिसका कोई वैल्यू ऐड नहीं होता है वह मोशन लॉस के अंतर्गत आता है. मीन्स अगर हम आज 6 मिनट में एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और 2 या 3 दिन के बाद उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 7 मिनट या 8 मिनट लगता है तो यह मोशन लॉस के अंतर्गत आता है. मीन्स साइकिल टाइम अगर बढ़ गई तो यह मोशन लॉस के अंतर्गत आता है. फोर्थ वन इज वेटिंग. आइडियल टाइम क्रिएटेड व्हेन मटेरियल इंफॉर्मेशन पीपल और इक्विपमेंट इज नॉट रेडी. जो आइडियल टाइम क्रिएट हो जाता है जो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन रेडी नहीं है, पीपल और इक्विपमेंट रेडी नहीं है, वह वेटिंग वेस्टेज के अंतर्गत आता है. मीन्स अगर हमें किसी डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं या किसी इक्विपमेंट के लिए वेट कर रहे हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को डिस्पैच के लिए वेट कर रहे हैं तो यह वेटिंग वेस्टेज के अंतर सेवन वेस्टेज के अंतर्गत आता है. फिफ्थ वन ओवर प्रोडक्शन. फिफ्थ वन ओवर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग मोर देन द कस्टमर नीड्स राइट नाउ. जो अभी कस्टमर को जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके रखना यह ओवर प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है. यानी जो कस्टमर का अभी नीड नहीं है फिर भी हम ज़्यादा बना के रख रहे हैं और वह हमारे पास बैलेंस में पड़ा हुआ है वह ओवर प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है क्योंकि उसमें हमारा जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए स्पेस लगेगा और वह उसका यूटिलाइज अभी नहीं हो पाएगा, यह ओवर प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है. एंड सिक्स वन इज ओवर प्रोसेसिंग. एफर्ट दैट एड नो वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर व्यू पॉइंट. कस्टमर व्यू पॉइंट जो भी हम एफर्ट ऐड कर रहे हैं वह कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है कस्टमर व्यू पॉइंट के पॉइंट से, वह ओवर प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है. मीन्स हमें
किसी मशीन का, किसी मशीन के स्पीड, मशीन के मोटर का आरपीएम कम कर दिए, जो जितना नेसेसरी था उससे कम हो गया, यह ओवर प्रोसेसिंग लॉस के अंतर्गत आता है। सेवंथ वन इज डिफेक्ट्स रिवर्क दैट कंटेन्स एरर रिवर्क मिस्टेक्स और लैक समथिंग नेसेसरी, मीन्स हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर वह पार्ट डिफेक्टिव है तो यह रियली वेस्टेज के अंतर्गत ही आएगा। यह भी एक वेस्टेज है जो हम डिफेक्टिव पार्ट बना रहे हैं। और एक हम और ऐड करेंगे एट्थ वन इज नॉन यूटिलाइजिंग टैलेंट। जो भी नॉन यूटिलाइजिंग टैलेंट है, जो कोई भी नया आदमी जिसको नॉलेज नहीं है, वह मशीन पे अगर खड़ा है और वह उसका टैलेंट यूज नहीं हो रहा है तो वह भी एक वेस्टेज की ही तरह आएगा। जबकि वह वहाँ पे जो भी प्रोसेस कर रहा है उसमें कुछ गलतियाँ कर देगा तो हम उसमें से हमारा प्रोडक्शन लॉस होगा, इसलिए वह नॉन यूटिलाइजिंग टैलेंट के अंतर्गत वह भी एक वेस्टेज के अंतर्गत ही आता है। हेलो फ्रेंड्स, ये तो थे सेवन टाइप ऑफ वेस्टेज। यह टॉपिक आपको कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर यह पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्त और क्लिक के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। हम ऐसे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अगर आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो यह सेवन टाइप ऑफ वेस्टेज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यह आप जरूर पूरा देखें। हमारा मोटिव है कि आपको कम समय में इजी लैंग्वेज में फेस टू फेस नॉलेज शेयर करना। आज के टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।